नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइज को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देखना आ जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार, आपने मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होंगे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं डाइवर्स या सेपरेशन, तलाक और अलगाव के लिए कुंडली में हम किस तरह से जातक और जातिका अपने कुंडली में कौन से भाव, कौन से ग्रह आदि का देख कर जान सकते हैं कि उनका डाइवर्स और सेपरेशन के योग बन रहे हैं या नहीं। तो ये जानने के लिए हमने एक कुंडली यहाँ पे लगाई है। मेष लग्न के जातक जो जातिका है उनके लिए आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं किस तरह से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारा छोटा सा प्रयास है, जो भी हमारा छोटा सा ज्ञान प्राप्त है उसके अनुसार आपको ज्योतिषी जो इसमें आकलन किया जाता है ज्योतिष के आधार पे उसकी हम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमको मालूम है कि सातवां भाव जो है शादी के लिए देखा जाता है। सप्तम भाव का स्वामी, उसके कारक ग्रह हैं शुक्र और बृहस्पति। इसके साथ साथ में हमें देखना पड़ता है जो भाव है, सातवें भाव से जो बारहवां भाव कहलाता है, छठा भाव कहलाता है, जो एंड ऑफ मैरिज कहलाता है, डाइवर्स को यहाँ से देखा जाता है। इसके बाद में जो आठवां भाव है, यहाँ पे एक गुप्त संबंध वगैरह, अगर यहाँ पे पापी ग्रहों का प्रभाव तो गुप्त संबंधों के कारण हमारा तलाक और सेपरेशन की स्थिति बनती है। फिर उसके बाद में बारह भाव देते हैं, देखा जाता है कि बारहवां भाव जहाँ से व्यक्ति को बेड प्लेजर मिलती है, जो सेक्स प्लेजर जो बोल सकते हो, बारह भाव से देखी जाती है। तो इस तरह से छठा आठवा बारह भाव और सप्तम भाव का स्वामी और दूसरा भाव हमारा कुटुंब और कुटुंब चौथा भाव हमारा कुटुंब से सुख, ये अगर भाव जो प्रभावित होते हैं और इनपे पापी ग्रह जो होते हैं उनका अगर प्रभाव होता है, पापी ग्रह है राहु है जैसा, शनि है, मंगल है, सूर्य है, इनका जब प्रभाव होता है कारक ग्रहों पे, शुक्र पे, बृहस्पति पे, छठे आठे बारह भाव में बैठ के ये ग्रह छठे सातवें भाव के स्वामी को, लग्न के स्वामी को, दूसरे भाव के स्वामी को, चौथे भाव के स्वामी को अगर प्रभावित करते हैं तो जातक के सेपरेशन के योग बन जाते हैं। तो इस तरह हमें जो जनरल जो चीजें बताई हमने कि ये स्थितियां होगी। वैसे ही जैसे शुक्र है शादी का कारक है, अगर वो छठे आठे बारह भाव में बैठता है और वो वक्री होके बैठता है या नीच का होके बैठता है, इस तरह की जनरल स्थिति हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ सूर्य से अस्त होता है, अगर वो आप टू 6 डिग्री तक का अगर अस्त होता है तो सूर्य जो गर्म प्लेनेट होता है, शुक्र प्यार का है, तो वो उसमें उसका असर खत्म कर देता है। तो इस तरह से सूर्य और शुक्र की युति कहीं पे भी 6, 8, 12 में बनेगी तो उसमें जातक का तलाक होने के योग बन जाते हैं। ऐसे ही बृहस्पति भी अगर इस तरह से 6, 8, 12 में प्रभावित हो, वो भी बृहस्पति भी अगर यहाँ वक्री होके बैठे या अस्त होके बैठे, यहाँ पे बृहस्पति मान लो सूर्य के साथ अस्त हो, सूर्य के साथ यहाँ भी अस्त हो, यहाँ भी अस्त हो, तब भी जातक के तलाक के योग बन जाते हैं कि बृहस्पति जो कारक है और शुक्र जो कारक है शादी के, उनकी अच्छी स्थिति नहीं होने से और उनपे पाप प्रभाव भी हो, 6, 8, 12 में बैठते हैं, वक्री है, अस्त है, और उसपे भी अगर पाप प्रभाव राहु केतु शनि मंगल का प्रभाव वहाँ आ रहा होगा, वहाँ उनके साथ में युति बना रहे, तब भी तलाक के योग बन जाते हैं। इसके बाद राशि परिवर्तन भी हो सकता है कि जैसे कि छठे भाव का स्वामी जो है वो सप्तम भाव में है, सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में हो या इनकी बुध और शुक्र की युति कहीं भी 6, 8, 12 में हो। यहाँ देखिए शुक्र बुध की युति बन रही है और उसके साथ में सूर्य से अस्त भी हो रहे हैं, तो इस तरह की जो कंडीशन बनती है उससे भी जातक का
तलाक होने के संभावनाएं बढ़ा देती है। तो इस तरह से 12वां भाव 7वें भाव की राशि परिवर्तन भी होता है, या इनकी युति होती है, या 6ठे भाव 7वें भाव के स्वामियों की राशि परिवर्तन युति होती है तो भी इस तरह का होता है। जैसे 8ष्टम भाव है, यहाँ पे अगर जो भी शनि हो साथ में राहु हो तो अनैतिक संबंध वगैरह के कारण भी जातक का तलाक की स्थिति बना देता है। तो 4थे भाव है, 4थे भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठ जाता है और उसके साथ में राहु केतु शनि का प्रभाव आता है तब भी जातक का, क्योंकि ये आपको फैमिली सुख देता है। तो फैमिली सुख का जो स्वामी है, 3ग भाव में बैठने से और उसमें राहु केतु शनि का प्रभाव आने से वो तलाक की स्थिति बना देता है। ऐसे ही 2रे भाव में भी अगर राहु अगर बैठ जाता है तो इस तरह की संभावना बढ़ा देता है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो भाव हैं, 3ग भाव हैं, बुध शुक्र हैं, ये जो अच्छी पोजिशन में नहीं होते हैं तो तलाक की योग बना देते हैं। तो युतियां भी मान लो यहाँ शुक्र और मंगल जो 8वें भाव का स्वामी, ये इनकी युति हो या इनके युति 6ठे 8 12 में हो, मंगल और शुक्र की, या वो राशि परिवर्तन कर रहे हो, जैसे 8वें भाव का स्वामी मंगल यहाँ बैठ जाए और ये यहाँ बैठ जाता है तो भी ये तलाक के योग बना देता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं मांगलिक योग होने पे और दूसरा नान मांगलिक योग नहीं होने से भी ये मंगल के कारण उनमें झगड़े वगैरह होते हैं और वो तलाक के योग बना देते हैं। इस तरह राहु जो है, राहु अगर 7वां भाव में बैठता है और तो वो राहु के कारण जातक के ज्यादा सेक्स की डिजायर रहती है और वो फिलफिल नहीं होने से वो दूसरी जगह इसका देखता है। तो इस तरह से राहु का भी 7वां भाव पे प्रभाव, या 7वां भाव के स्वामी शुक्र पे प्रभाव, राहु यहाँ बैठ जावे तो इस तरह की अगर स्थिति करता है तो भी तलाक की स्थिति बना देता है। तो इस तरह आपने देखा कि 7वां भाव में अगर सूर्य बैठता है तो सूर्य भी जो है एक गर्म प्लेनेट है और वो अहंकारी भी है तो सूर्य के कारण भी तलाक के योग बन जाते हैं। शनि जो है अगर यहाँ बैठता है, यहाँ तो शनि उचका हो जाता है परंतु उसमें भी इस तरह के दुखी शनि के कारण दुख देने का काम करता है, तो उसके कारण भी अगर वो शनि यहाँ बैठता है और उस पर राहु का प्रभाव हो, राहु केतु की दृष्टि हो, या राहु बैठता है उसका शनि मंगल का योग जैसा यहाँ बन रहा है और दृष्टि संबंध यहाँ बन रहे हैं 7वें भाव में, तो इस तरह के शनि मंगल की युति लग्न में 7वां भाव में या 2रे भाव में 4थे भाव में अगर बन रही है और उस पर राहु का भी प्रभाव आ रहा है, पापी ग्रहों का प्रभाव हो रहा है, तो वो भी जातक को तलाक की स्थिति बना देता है। तो इस तरह आपने देखा कि अगर यही स्थिति 11वां भाव में बनती है तब भी इसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है कि वहां पे पापी ग्रहों का प्रभाव हो, क्योंकि 6ठे से 6ठा भी तलाक का भावस्थ भाव का कारण यहाँ पे पापी ग्रहों का प्रभाव होने से 7वां भाव का स्वामी यहाँ शुक्र यहाँ बैठता है, यहाँ पे राहु साथ में बैठता है तो वो भी तलाक की स्थिति बना देती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि शुक्र का पाप कर्तरी होना, मान लो शुक्र यहाँ बैठा है और यहाँ शनि है, मान लो मंगल यहाँ पे है तो पाप कर्तरी योग भी बनता है तब भी ये तलाक के योग बना देता है। शुक्र अगर वक्री भी यहाँ बैठता है और अस्त होके बैठता है तो भी तलाक का योग बनाता है। तो शुक्र की स्थिति 6ठे में 8वें में 12वें भाव में 11वें भाव में अगर बैठती है और वो पाप कर्तरी का योग भी बनता है, यहाँ भी बन रहा है, या वो शुक्र यहाँ भी सूर्य से अस्त हो, यहाँ भी अस्त हो, तो शुक्र का भी 6ठे 8वें 12वें में पाप कर्तरी होना, वक्री होना आदि जो है अस्त होना, ये भी आपको तलाक के योग बना देता है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो पापी ग्रहों का प्रभाव जो है 7वां भाव 7वां भाव के स्वामी ये पे शुक्र तथा का और भी जो गुरु है उसपे भी अगर इस तरह का प्रभाव आ रहा है, जैसे बृहस्पति या शनि मंगल से वो युति कर रहा है तो ये भी तलाक की स्थिति बना देता है, साथ में अगर राहु भी आ जाता है तो ये खराब स्थितियां हैं। शनि का काम है सेपरेशन का, शनि मान लो शनि मंगल की युति यहाँ बन रही है तो शनि का काम सेपरेशन करने का काम करता है, देरी कराएगा
और शादी तोड़ने की कोशिश करता है। मंगल दोष का भी हमने बताया, मंगल दोष भी अगर होता है और दूसरे का नहीं होता है तो भी शादी तलाक के योग बन जाती है। तो इस तरह 6-8-12 के स्वामी जहाँ भी बैठते हैं, मान लो वो 6-8-12 के स्वामी सप्तम भाव में बैठ रहे हैं, चौथे भाव में बैठ रहे हैं, दूसरी भाव में बैठ रहे हैं, और वहाँ बैठ के शुक्र यहाँ बैठता है, यहाँ बैठ रहा है, और उसके साथ में राहु केतु शनि मंगल का अगर प्रभाव आ रहा है तो वो भी आपका तलाक के योग बना जाते हैं और परेशानियां पैदा करते हैं। तो 6-8-12 के स्वामी ये बुध है, ये है जैसा हम देख रहे हैं कि बुध यहाँ शुक्र के साथ में बैठ गया है, ऐसे ही छठे भाव का स्वामी यहाँ बैठ जाए और साथ में शुक्र यहाँ बैठ जाता है तो शुक्र बुध छठे और सातवें भाव की युति दूसरे भाव में हो जाए, चौथे भाव में हो जाए, या यहाँ छठे भाव में, सातवें भाव में, या आठवें भाव में, या ग्यारहवें भाव में हो जाती है। तो इस तरह की युतियाँ 6-8-12 के जो स्वामी की युति भी अगर कहीं कहीं हो, ये दूसरे भाव, चौथे भाव, सातवें भाव को प्रभावित करता है, साथ में उनके राहु केतु का भी प्रभाव आता है तो तलाक की स्थितियां देती है, परेशानियां पैदा करते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हमने देखा कि सप्तम भाव, सप्तम भाव स्वामी शुक्र बृहस्पति इनके जो प्रभाव 6-8-12 भाव में हो रहे हैं या 6-8-12 भाव को स्वामी के साथ बना रहे हैं, मांगलिक दोष उत्पन्न कर रहे हैं, शनि मंगल वगैरह के कारण युति भी हो रही है, ये यहाँ भी हो रही है। तो इस तरह के सब योग, जितने भी योग हमने देखे वो तलाक की स्थिति पैदा करते हैं, क्योंकि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उसके कारण लड़ाई झगड़े मंगल के कारण हो सकते हैं, सूर्य के कारण आप अहंकारी हो सकते हैं, शुक्र अस्त हो जाने से उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, वक्री होने से उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो इस तरह की स्थितियां अगर बन रही है मेष लग्न के जातक जातिकाओं की, और जिस तरह से हमने कुंडली का विश्लेषण यहाँ किया, लग्न कुंडली का, ऐसे नवांश कुंडली में भी आप इन सब परिस्थितियों को देख सकते हैं और वहाँ पे भी इस तरह के प्रभाव आ रहे होंगे। तो ये जितने ज्यादा प्रभाव होते हैं वो इतनी स्थितियां खराब बनती है, क्योंकि आजकल के संदर्भ में, देश परिस्थिति काल में ये परिस्थितियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है और उसके कारण तलाक होने की स्थितियां बन जाती है। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि जो परेशानी देने वाले ग्रह हैं उनके मंत्रों के जाप करना चाहिए। मान लो यहाँ पे हमको शुक्र परेशानी होती है, ओम शुक्राय नंबर का पाठ करके 108 बार प्रतिदिन करना चाहिए। सूर्य के कारण प्रभाव आ रहा था, सूर्य का, सूर्य यहाँ के हमारा इष्ट देवी बनता है तो सूर्य की आराधना करना चाहिए, सूर्य के मंत्रों के जाप करना चाहिए। इस तरह से जो भी ग्रह प्रभावित कर रहे हैं उनके हमें उनकी पदार्थों के दान भी कर सकते हैं। 6-8-12 भाव के जो भी स्वामी ग्रह हैं और वो एक दूसरे से युति वगैरह छठे सातवें भाव में, चौथे भाव में, दूसरे भाव में अगर ये बना रहे हैं तो आपको उनके वस्तुओं के दान करना चाहिए। इस तरह आप जो ग्रह प्रभावित हो रहे हैं उनका उपाय कर सकते हैं और ये सब परेशानियों से अगर नहीं हो रहा है, सब आपके उपाय नहीं काम कर रहे हैं और फिर तलाक लेने की स्थिति बन रही है तो आपको तलाक हो ही जाता है, क्योंकि ये छठा भाव शादी का अंत है, मुकदमेबाजी है, आठवां भाव है यहाँ पे गुप्त संबंधों का है, यहाँ पे सेक्स प्लेजर का है, बेड प्लेजर का है। तो ये सब स्थितियाँ ग्रहों के कारण बन रही हो तो ये चीजें नहीं प्राप्त होती। यहाँ फैमिली में जो चौथा भाव है, फैमिली सुख है, वहाँ पे भी पाप ग्रहों का प्रभाव है, 6-8-12 का स्वामी बैठते हैं, वक्री ग्रह वगैरह बैठते हैं और इस तरह के प्रभाव बढ़ते जाते हैं तो हमको फैमिली का सुख जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। ये फैमिली सुख है, यहाँ फैमिली को देखते हैं, दूसरा भाव भी प्रभावित होता है तो वो भी इस तरह के हालात पैदा कर देते हैं। तो बहुत सी चीजें आजकल हम देख रहे हैं कि ये इस तरह के प्रभाव होने पे जातक और जातिका को थोड़े उपाय करना चाहिए, कुंडली विश्लेषण करके जानना चाहिए कि ऐसे प्रभाव आने पे ये कब होंगे, जब इनकी दशाएं, अंतर्दशाएं, पंचदशाएं चलेगी जो भी ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, साथ में गोचर में भी ये ग्रहों की स्थिति, इन ग्रह जो ग्रह और जो भाव बताए उन पर प्रभावित होंगे तो ये स्थिति तलाक की बनेगी, ये टाइमिंग उसका होगा। तो हमें
इस तरह के प्रभावों को देख के जान के जितना हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं करना चाहिए, नहीं तो ये तलाक की स्थिति पे ले जाते हैं। तो इस तरह आपने जाना कि जो भी मेष लग्न के जातक जातिका हैं उनके किस तरह से हम तलाक के लिए कौन से भाव हमने देखा, भावों ग्रहों को देखा और उनके युति परिवर्तन वक्री अस्त आदि की स्थिति को देख के आप उसका प्रभाव को बता सकते हैं। तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप टेलीफोन से परामर्श आते हो तो मामूली दक्षिणा प्रदान करके आप टेलीफोन से परामर्श ले सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।